हुबली, एक ऐसा शहर जिसको पेशवाज रूल करते थे, बट इन 1817 ब्रिटिश took हुबली फ्रॉम पेशवाज। तो आज हम लोग जा रहे हैं हुबली नॉर्थ कर्नाटका में, जहाँ पे एक मंदिर है जिसकी बहुत अहमियत है और दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं। बीच बीच में हमने ब्रेक्स लिए, अय्यंगार बेकरी दिखी तो दिल को नहीं रोक पाए, तो वहाँ से केक, पेस्ट्रीज, पैटीज, बहुत सारे चीजों का लुफ्त उठाया। तो आज हम लोग आए हैं सिद्धरूधा मठ हुबली में, एंड इट इज द होली सेंटर फॉर हिंदूज। सिद्धरूधा मठ दैट होल्ड्स अ यूनिक सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न हिंदुइज्म। इट वाज बिल्ट इन ईयर 1929 वेयर श्री सिद्धरूधा टुक समाधि टू ऑनर हिम। ही टॉट फिलोसफी देयर एंड इवन टुडे यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं शिवरात्रि के दिन सेलिब्रेट करने के लिए। अर्लियर इन 1919 एंड 1924 द मठ वॉज विजिटेड बाय लोकमान्य गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी रिस्पेक्टिवली। सदगुरु सिद्धरूधा महाराज हमेशा इक्वालिटी पे बिलीव करते थे। उम्र के 6 ही साल में उन्होंने अपना घर, फैमिली, सारा कंफर्ट छोड़ दिया। कहा जाता है कि ही इज टू बी इनकार्नेशन ऑफ शिवा। वो हमेशा सब लोगों की मदद करते थे एंड ऑल्सो लोगों को सही दिशा दिखाते थे। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम नॉर्थ डाउन साउथ ऑफ द कंट्री, दैट इज कश्मीर टू कन्याकुमारी, विद द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फाइनली ही सेटल डाउन इन हुबली। यहाँ पे आने के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है। लोग आपके प्रति एक अलग ही उदार भावना से प्रकट आते हैं। यहाँ पे आपको एक शांति, मन का समाधान और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। मन को प्रसन्न करके हमको पता चला कि यहाँ प्रतिदिन महाप्रसाद मिलता है, तो क्या था, हमने भी आनंद उठाने का प्रयास किया। अमीर हो या गरीब, सब यहाँ एक समान है। नीचे बैठ के एकत्रित होके सबने खाना खाया। और खाने के बाद अपने अपने बर्तन खुद ही धोने हैं। ऐसा दृश्य तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा था। मंदिर के परिसर का आनंद उठा के हम लोगों ने अपने हुबली के इस मठ का सफर यहीं समाप्त किया। आपको एक और बात बतानी है कि इस मठ में काजल, उनकी मदर, सिस्टर हमेशा यहाँ पे आते हैं और यहाँ के आशीर्वाद लेती हैं। हमें तो यहाँ पे बहुत सुकून मिला। होप आप भी ये वीडियो देख के हुबली प्लान जरूर करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो में ब्यूटीफुल रास्ते का आनंद उठाइए।